हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समीर। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि मैं अधिकतर इलेक्ट्रिक की वीडियो बनाता हूं और बाकी टेक की वीडियो भी बनाता हूं। मैं अपडेट की भी आपको बीच बीच में मैं देता रहता हूं एप्लीकेशन वगैरह की। तो आज मैं बात करूँगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में छाया हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप भी बिटकॉइन के बारे में जानें, और क्योंकि आने वाले टाइम में बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा बूम आएगा। और इसमें मतलब किसी ने अगर 100 रुपये का बिटकॉइन ख़रीदा था आज से 10 साल पहले, तो वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है अब के कीमत में, जो पहले मतलब 10 साल पहले कीमत थी और अब की कीमत है। तो मतलब 100 रुपये का बिटकॉइन आज 1 करोड़ रुपये के बराबर है। तो आपको चाहिए कि बिटकॉइन की कीमत बढ़ती रहती है, आपको चाहिए कि आप भी बिटकॉइन ख़रीदें। मैं अगली वीडियो में आपको रिसर्च करके बताऊंगा कि आपको कौन सी कंपनी का बिटकॉइन ख़रीदना चाहिए और किस तरीके से हम इसको ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, ये लीगल है, कोई इलीगल नहीं है, सरकार ने इसको लीगल माना हुआ है। आपको बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिटकॉइन कौन सी कंपनी का ख़रीदना है और इनकी रेट क्या है कि मतलब फिक्स होती है। मतलब क्या है कि ये मतलब फिक्स होते हैं बिटकॉइन, किसी कंपनी का बिटकॉइन है तो 21 मिलियन बिटकॉइन होते हैं। और जैसे ही अब ये सारे बिक जाएंगे, उसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, मतलब ख़रीदार 21 मिलियन से भी ज़्यादा होंगे, मतलब बिटकॉइन 21 मिलियन है, इससे भी ज़्यादा मतलब इसके ख़रीदार होंगे, तो इसकी कीमत क्या है कि ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जैसे ही ऑटोमेटिक इसकी कीमत बढ़ जाती है तो आप इसको बेचेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए आपने 1000 रुपये के बिटकॉइन ख़रीदे और वो 1000 रुपये के बिटकॉइन ख़रीदे आपने 5 रुपये के हिसाब से, या फिर आप मान लीजिए आपने 5 बिटकॉइन ख़रीदे 5 रुपये के हिसाब से, अब 1 बिटकॉइन की कीमत हो गई मतलब 10 रुपये या 50 रुपये। अब 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसी तरीके से अगर आप 1000 के ख़रीदेंगे और उसको 1000 को फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मतलब 2000 से या 3000 से, तो इस तरीके से इसका मतलब बढ़ता रहता है। अगर आप इसके बिटकॉइन खरीद के रखते हैं और ये महंगी हो जाती है, मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1 बिटकॉइन की कीमत है, जो भारतीय रुपया है उसके हिसाब से 1 बिटकॉइन की कीमत कितनी है, आप यहां अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपने आज से 10 साल पहले इसमें निवेश किया होता तो आपके पास 1 करोड़ रुपया होता, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आगे भी ये बढ़ेगा। मतलब इसकी कीमत बढ़ जाती है तो आप उसको सेल करेंगे तो ये काफ़ी सारा पैसा आपको अर्न करके देगी। तो आपको चाहिए कि मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा आप कौन सी कंपनी के बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं। इसमें सिर्फ मैंने इतना ही बताया था क्योंकि आने वाले टाइम में जैसा मार्केट में अब चल रहा है, आने वाले टाइम में बिटकॉइन पर ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि जैसे डिजिटल हुआ है, मतलब सारी चीज़ें डिजिटल हुई हैं, जैसे बैंक वगैरह, फ़ोन पे, इतनी सारे ऐप वगैरह डिजिटल हुए हैं कि मतलब फ़ोन से ही पेमेंट हो जाता है और कार्ड वगैरह से हो जाता है, कैशलेस हो गया है, उस तरीके से ही बिटकॉइन है। और इस बिटकॉइन में इससे भी आप मतलब अपने मतलब सेविंग कर सकते हैं या और इससे अर्न भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कौन सी कंपनी के बिटकॉइन ख़रीदें और हमें कौन सी कंपनी के बिटकॉइन खरीद कर रखने चाहिए और इनका मार्केट के बारे में और थोड़ा मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो और नई अपडेट आप तक तुरंत पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।